हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास 9th। आफ्टर कंप्लीशन एंड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइडेड टू यू इन द वीडियो लेक्चर 7, टुडे वी गिव सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर मैटर इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में ये चैप्टर जो फर्स्ट है, इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। चैप्टर फर्स्ट, व्हाट यू हैव लर्न, पॉइंट वाइज, पॉइंट टू पॉइंट्स। पॉइंट फर्स्ट, पॉइंट फर्स्ट, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स आर यू नो, आपको पहले भी बताया गया है कि मेटल दैट इज फॉर्म ऑफ टीनी पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स। पॉइंट सेकेंड्स, द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स। जो मैटर हमारे चारों तरफ है वो थ्री स्टेट्स में है। कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। पॉइंट थर्ड, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड्स। फोर्स अट्रैक्शन जो है मैक्सिमम सॉलिड्स में होता है, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स, लिक्विड में इंटरमीडिएट्स होता है, एंड मिनिमम इन गैसेस। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम इन गैसेस। पॉइंट फोर्थ, द स्पेसेस इन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूंट्स पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आर मिनिमम्स इन द केस ऑफ सॉलिड्स, इंटरमीडिएट लिक्विड्स एंड मैक्सिमम गैसेस। तो द स्पेसेस, जो स्पेस होता है पार्टिकल्स में, तो क्या हम स्टूडेंट देखते हैं कि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड में स्पेस बहुत ही कम होता है, लिक्विड में कुछ स्पेस अधिक होता है, और गैस के मॉलिक्यूल बहुत ही फार भी होते हैं। तो जो कंडीशन आपको इसमें इस पॉइंट में शो किया जा रहा है कि स्पेसेस इन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूट्स पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आर मिनिमम इन द केस ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड में बहुत ही कम होता है, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मैक्सिमम गैसेस। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मोस्ट ऑर्डर इन द केस ऑफ सॉलिड्स, इन द केस ऑफ लिक्विड्स लेयर ऑफ पार्टिकल्स कैन स्लीप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर्स वाइल द गैस देयर इज नो वाटर पार्टिकल्स जस्ट मूव अबाउट रैंडमली। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप देख रहे हैं जो पॉइंट्स आपके यहाँ शो किया जा रहा है कि द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज मोस्ट ऑर्डर इन द केस ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड मोस्ट ऑर्डर केस होता है, इन द केस ऑफ लिक्विड लेयर ऑफ पार्टिकल्स कैन स्लीप एंड स्लाइड। लिक्विड के पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लीप एंड स्लाइड होते हैं ओवर ईच अदर वाइल फॉर गैस है, लेकिन जबकि गैसों के लिए देयर इज नो ऑर्डर, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं होता है, पार्टिकल जस्ट मूव अबाउट रैंडमली, जिसे कहते हैं कि अनसर्टेनिटी, अनिश्चित फॉर्म में गैसों के पार्टिकल्स एक कॉन्टिन्यू मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल। मैटर जो है, मैटर के जो स्टेट हैं वो इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, वो इंटरचेंज होते हैं। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग टेम्परेचर आर प्रेशर। यह टेम्परेचर प्रेशर चेंज करने पर मैटर के स्टेट चेंज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टिव टू गैसियस स्टेट। सब्लिमेशन में क्या होता है कि सॉलिड जो है डायरेक्ट गैस में स्टेट, सॉलिड कन्वर्ट इनटू
गैस या डेड इज सबलिमेशंस विदाउट गोइंग थ्रू सो लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट नहीं आता है या सॉलिड जो है डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, दैट इज सबलिमेशन प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट्स, डिपोजिशन इज द चेंज ऑफ द गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू द सॉलिड स्टेट विदाउट लीविंग थ्रू लिक्विड स्टेट्स। डिपोजिशन इज द चेंज, डिपोजिशन चेंज है आप गैसों का डायरेक्टली टू सॉलिड, जो गैस डायरेक्टली सॉलिड में आते हैं दैट इज डिपोजिशन, उसको डिपोजिशन कहते हैं। जब गैस जो है गैसियस स्टेट डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होता है दैट इज डिपोजिशन। नेक्स्ट पॉइंट्स, बॉयलिंग इज द बल्क फेनामना, बॉयलिंग एक बल्क फेनामना है यानी कि होल फेनामना, पूरे जो है कंप्लीट लिक्विड में यह फॉलो होता है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क यानी होल, बल्क मीन्स होल, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट्स। इसमें क्या होते हैं, पार्टिकल लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चेंज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, हाँ स्टूडेंट्स, बॉयलिंग को हमने अभी चेक किया कि बॉयलिंग दैट इज बल्क फेनामना, होल फेनामना होता है, जबकि इवापोरेशन, इवापोरेशन इज द सरफेस फेनामना, पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन एनफ एनर्जी, जो पार्टिकल सरफेस होता है एनफ एनर्जी गेन करता है टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इन टू द वेपर स्टेट। अब ऐसे कंडीशन में लिक्विड से वेपर स्टेट में चेंज होता है। नेक्स्ट पॉइंट्स, द रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया एक्सपोज टू द एटमॉस्फियर, द टेम्परेचर, द ह्यूमिडिटी एंड द विंड स्पीड्स। तो यह इवापोरेशन भी ये सरफेस एरिया ही है जो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ह्यूमिडिटी पर एंड विंड स्पीड पर। नेक्स्ट पॉइंट्स, इवापोरेशन, इवापोरेशन काजेस कूलिंग, इवापोरेशन कूलिंग काज करता है। नेक्स्ट पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ ए लिक्विड टू गैस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो लेटेंट हीट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो लेटेंट हीट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेटेंट हीट में क्या होता है कि लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन ऑफ द हीट एनर्जी रिक्वायर टू चेंज 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर एनर्जी दैट इज लेटेंट हीट। स्टूडेंट्स दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 1 kg लिक्विड चेंज इनटू गैसेस स्टेट रिक्वायर एनर्जी, हीट एनर्जी दैट इज लेटेंट हीट। नेक्स्ट पॉइंट्स, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन यानी स्मेल्टिंग, जैसे आइस का फ्यूजन हम करते हैं, फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। तो 1 kg सॉलिड, 1 kg आइस, आइस को सॉलिड दैट इज आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने में यूज्ड एनर्जी दैट इज लेटेंट हीट एनर्जी एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट्स, और इसी को उसका मेल्टिंग पॉइंट्स नेम दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हमने इस चैप्टर का समराइज किया है। इसके पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए थे, जैसे जब चैप्टर हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया था तो हमने उसने कुछ चैप्टर समराइज किया था, और आज हम उस चैप्टर को जो है कंप्लीट समराइज किए हैं। तो स्टूडेंट्स इस समरी को, व्हाट यू हैव लर्न पॉइंट्स समरी को एक एक पॉइंट अब रीड करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज और चैप्टर उसमें रिलेटेड इंडेक्स एंड एग्जाम्पलर क्वेश्चन को हम चेक करेंगे, उसका आंसर प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक्स।